subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. दोस्तों, अब नामकरण के इस ट्रैक और इस कहानी का क्लाइमेक्स आने वाला है और होने वाली है किसी नए शख्स की एंट्री। पर अब किसकी होने वाली है एंट्री और ये दोस्त होगा या फिर दुश्मन? अब ये तो आप जानते हैं कि शो में जब भी किसी की एंट्री होती है तो उसके साथ साथ किसी की एग्जिट भी। अब शो की कहानी को देखते हुए कह सकते हैं ना कि विद्युत का हो जाएगा पत्ता साफ और विद्युत की विलनगिरी भी खत्म हो जाएगी। पर कैसे? दरअसल आने वाले एपिसोड के दौरान कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ नील जीत जाएगा सारा खेल। इसी के चलते कहानी में आप देख सकते हैं नए टर्न एंड ट्विस्ट जो कि आपको भी कर देंगे काफ़ी खुश, क्योंकि आने वाला ट्रैक फुल ऑन ड्रामा से भरा होने वाला है। अब ये तो आप जान ही चुके हैं कि नील एक के बाद एक चाल चलेगा विद्युत और रागनी पंडित के खिलाफ। जहाँ रागनी अवनी को जिंदा दफन करने के आरोप में बंद हो जाएगी जेल में, तो वहीं विद्युत उस हादसे का सच अनजाने में बोल देगा नील को और वहीं मौजूद होंगे पुलिस वाले, जिसके बाद विद्युत और रागनी पंडित को नील कह देगा टाटा बाय बाय और ये भी कि तुमसे लड़ने में मज़ा आया और ये हीरो और दुश्मनी का खेल काफ़ी अच्छा था मेरे लिए। तो वहीं ये खबर भी है कि किसी नए शख्स की एंट्री होने वाली है। अवनी और नील की ज़िंदगी में नई दुश्मनी का तड़का डालने वाले हैं शो मेकर्स। तो अब ये देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि ये नई दुश्मनी कितनी मज़ेदार होने वाली है और कौन आने वाला है विद्युत को मात देने के लिए, क्योंकि विद्युत ने भी तो दया बहन की दुश्मनी को मात दी, तो भला ये शख्स क्यों ना दे। अब ऐसे ही नामकरण से जुड़ी सभी खबरें लेकर आएंगे आपके लिए और आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे, जिसके लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करें हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज़। न्यूज़ रूम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ योर वर्ल्ड।